लक्ष्मी चलो 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 ना। चलो चलो हो गई, थोड़ी देर यहाँ वेट करो, ठीक है? परेशान मत करना यार। यही काम हो गया इन लोगों का। अरे क्या तुम्हारे एरिया में दूध नहीं मिलता जो यहाँ सुबह सुबह लाइन लगा के खड़े हो गए हो? अरे इस एरिया का दूध ही काफी टेस्टी और पीने लायक है। यहाँ के दूध की बनी कॉफी बहुत ही मस्त लगती है। कब तक हम लोग घर में पैकेट वाला दूध खरीद कर पियेंगे? उनकी क्वालिटी का क्या भरोसा? क्यों भाई? क्या बात है, इतने सवाल कर रही हो। तुम्हारा पति कहाँ है? मेरा पति यहाँ नहीं रहता है, वो दुबई में काम करता है। हमारी दूध वाली को मिस करके वो दुबई में काम कर रहा है। इस तरह रोज रोज सताएगी तो यहाँ काम करेगा क्या? दुबई में ही तो काम करना पड़ेगा। मुंह तोड़ दूंगी तेरा, चुप कर। अरे ये क्या, तू सिर्फ ढक्कन लेकर आया? वो डालती रहेगी तो मैं यही खड़े खड़े पी लूंगा। वो डालती रहेगी और ये खड़े खड़े पीता रहेगा, लगता है हमारे लिए थोड़ा भी नहीं छोड़ेगा। क्यों बहन, हम जैसे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? वो देखो पीछे लाइन में बिना दांतों वाला बुढ़ा भी खड़ा है। दांत नहीं है तो क्या? अभी पीछे आ जा। अरे हमारे एरिया में आके क्यों गड़बड़ कर रहे हो? जल्दी खरीदो और जाओ, वो आएगी अभी। लाइन वाले भी परेशान कर रहे हैं। आ जा जा जा, आ गई आ गई आ गई। क्या बात है, क्या गई क्या है। देर हो गई लेकिन मस्त तैयार हो गई है। काफी देर से इंतजार कर रहे हो, कितना दूर? 100 मिली। 100 मिली के लिए इतना बड़ा? मैं हमेशा बड़ा ही लेकर आता हूँ। अच्छा ये लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। तुम्हें कितना दूँ? 200। अरे कितने प्यार से दे रही है। बहुत बढ़िया, ये लो बाकी का चेंज तुम रख लो। बाय। तुम्हें कितना चाहिए? 100 मिली। नीचे गिरने तक डालिए। और थोड़ा डालिए। अरे जल्दी करना भाई। और थोड़ा सा डालिए। ओए पैसे तो देके जाओ। बाय। आपको 200। ये लीजिए पैसे। अरे जल्दी करना यार। कितना चाहिए? अरे कितना चाहिए? चाचा कितना चाहिए आपको? 200। देती हूँ। अरे ये बुढ़ा समय बर्बाद कर रहा है, मुझे जल्दी उनकी सूरत देखनी है। पैसे लाओ। चल बे, पूरा समय बर्बाद कर दिया। 100 मिली। इसमें लीजिए, चलता हूँ। दबाओ। 100 मिली दीजिए। ये दूध ले जाकर आप सोसाइटी में दे सकती हैं ना? मैंने देखा यहाँ सब कैसी बातें कर रहे थे। किसी नजर से भी देखे मुझे, कोई बात नहीं। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई बात नहीं।
मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ, मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आज दिवाली है ना, भगवान के अच्छे से दर्शन हो गए, मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, ये लो। दीदी अभी तक मैंने स्नान नहीं किया, आप अंदर रख दीजिए। ये बात है, मैं अंदर रख देती हूँ, तुम बाद में ले लेना। शैलू आ गई। दीदी बहुत दिनों के बाद आई मेरी बहन। दीदी कैसी हो मेरी बहन? मैं ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? ऑटो वाले को पैसा दो। हाँ ये लो भैया। एग्जाम डेट आ गई? हाँ दीदी आ गए हैं, नेक्स्ट मंथ। ओह ऐसा क्या? दीदी जल्दी आओ, देखो कौन आया है। डॉक्टर आ गई है, आज से गाय भैंस को यही संभालेगी, इंजेक्शन लगाएगी। डॉक्टर जो आ गई है। बैठो उधर। दीदी शैलू के लिए पहले कॉफी बना के ले आइए और उसके बाद इसकी नजर उतार भी लेके आती हूँ। बैठो ना। कॉलेज में पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक चल रहा है दीदी, आप सब कैसे हो? हम सब बिल्कुल ठीक है। दीदी एक दिवाली गिफ्ट लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, पता है वो क्या है? फोन। क्यों बहन, मेरे पास तो फोन है। वो तो मामूली सा फोन है दीदी, मैं तुम्हें जब भी फोन करती हूँ तुम उठाती भी तो नहीं हो। मैं कहाँ घर में रहती हूँ, फसल काटने और खेती के कामों में बिजी रहती हूँ। तभी तो लाई हूँ दीदी, ये 4G स्मार्टफोन है, अगर मैं बात करके उसे रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे डालूंगी तो तुम जब चाहो मुझे देख सकती हो। यही नहीं, अगर मैं फ्री रहूंगी और तुम फ्री होगी तो हम वीडियो चैट में भी बात कर सकते हैं। थैंक्स री, जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तेल लगा के नहलाती हूँ तुझे। क्या दीदी तुम भी ना, किस लिए तेल लगा के नहाना? जाओ दीदी मैं नहीं नहाऊंगी। अरे सुनो, डॉक्टर के ऊपर खर्च करने से अच्छा है इंसान अपने ऊपर ही खर्चा करे। क्या तुम कभी हॉस्टल में तेल लगा के नहीं नहाती? क्योंकि फ्री हेयर के नाम पे आजकल फैशन ज्यादा हो गया है। जो मैं बोल रही हूँ उसे अच्छी तरह समझो, दिन में दो, हफ्ते में दो, महीने में दो, साल में दो, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। दिन में दो का मतलब है टॉयलेट जाना, बालों का इससे कोई संबंध नहीं है। हफ्ते में दो का मतलब हफ्ते में दो दिन बालों में तेल लगा के नहाना। महीने में दो का मतलब पति पत्नी दोनों, समझी? सॉरी दीदी। साल में दो का मतलब पेट साफ कर लेना चाहिए, तभी स्वस्थ रहेंगे। समझी ना? ओके ओके, तुम हिंदी में बीए ऑनर्स हो मैं जानती हूँ। अब क्या करना है दीदी, मुझे तेल लगा के नहाना है यही ना, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ये लो कॉफी। थैंक्स। शैलू क्या कर रही हो? घर की नजर, बाहर की नजर, लोगों की बुरी नजर, सबसे नजर फटके अभी के अभी उतर जाएगी। कह रही हूँ ना सीधे रहो। सीधे रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये ऐसे नहीं बोलते। थूको। थू। और दीदी आज तो दिवाली है और तुम अकेली क्यों आई हो? जीजी और हमारे छोटे उस्ताद कहाँ हैं? शैलू मैं तुझे बाद में बताती हूँ, ठीक है? दीदी आप जाके पानी गर्म कर दो। वापस कब आए? आज सुबह ही आया हूँ मैं। अब आपके माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, किसी अच्छी लड़की से शादी करके फसल का काम संभाल लो। शादी करने के लिए लड़की तो चाहिए ही ना। लड़कियों की कमी है क्या? आप एक बार हाँ तो कहकर देखिए, लड़कियाँ लाइन लगाकर आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। वैसे तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन कोई दिल को छूने वाली भी तो मिलनी चाहिए मुझे। आप जैसी कोई सुंदर लड़की है तो बताइए ना, मैं तुरंत शादी कर लूंगा। क्या मैं आपको इतनी सुंदर लगती हूँ? और नहीं तो क्या, थोड़ी मोटी हो लेकिन बहुत खूबसूरत हो। एक मेरा पति है जो मेरी सुंदरता की कभी तारीफ ही नहीं करता।
सुनो, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुनो, हाथ छोड़िए मेरा, मेरी बात तो सुनो। आपने, आप तो बिल्कुल सुनते ही नहीं, सारे चावल नीचे बिखर गए, अब कौन साफ करेगा इनको? घर में चावल बिखरने से उठा सकते हैं, लेकिन घर की औरत फिसलेगी तो उस परिवार का पूरा सर्वनाश हो जाएगा। गौरी, ये गहने और रुपए उस जमींदार के बेटे ने दिए हैं ना? सुनो, मैं अपने बेटे को पाल सकता हूँ, तू घर से निकल जा, चली जा, चली जा, चली जा, निकल जा, निकल जा, चली जा, भी पाल लूँगा। तो बस अपने खेतों में खड़ी काम ही कर रही थी। वो जमींदार का बेटा खुद मेरे पास आया था, उसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे हम। उसने कहा अगर कोई तुम जैसी सुंदर लड़की मिलेगी तो मैं शादी कर लूंगा। तो मैं सोचने लगी कि क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? कोई लड़का किसी लड़की की इतनी ज्यादा तारीफ करे तो समझ जाना चाहिए मुसीबत आने वाली है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। दीदी, जिनसे अनजाने में गलती हो उन्हें माफ कर देते हैं। जीजू और तुम्हारा बेटा जरूर एक दिन वापस आएंगे तुम्हारे पास। रो मत दीदी। खरीद के रखी है, जाकर वही पहन ले।
कर रही हो तुम दोनों? तुम्हें तो डांस ही नहीं आता, हटो यहाँ से, मैं करके दिखाऊंगी। Next week, I'll be there in USA. Confirm. Okay, now, take it. दीदी, अब पैदा होने वाले गाय के बछड़े का नाम आप लक्ष्मी ही रखना, ठीक है? इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। ऐसा क्या? क्यों विशाली, बहन शहर वापस जा रही है क्या? हाँ। दिवाली के दिन आई और तुरंत जा रही है, ऐसा करते हैं क्या? बैसाखी पर कम से कम दो दिन पहले आ जाना, समझी क्या? नहीं आऊंगी। क्यों री? दीपावली, क्रिसमस, रमजान, ये सब त्योहार लोग खुशी से मनाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग फसल आने से पहले ही बैसाखी मना लेते हैं, ऐसा क्यों? उपजाऊ भूमि पूरी तरह से सूख गई है, खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। यहाँ वहाँ से अरेंजमेंट करके खेती करते भी हैं, तो उसके ठीक दाम भी नहीं मिलते आजकल। खेती करने वाले खुशी से त्योहार कैसे मनाएंगे बेटी? उसी समय पर गाय की पूजा भी होती है, तो क्या उस दिन गाय खुश रहती है? बताइए दीदी, क्या कहना चाहती है तू? मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद अगर नौकरी मिल गई तो आगे मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक समय पर शादी करनी होगी और उसके बाद बच्चा पैदा कर लेना। बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी है क्या? इंजेक्शन से या फिर हम टेस्ट ट्यूब से भी तो पैदा कर सकते हैं ना? ए, पागल है तू? लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, चुप कर। शादी करके पति के साथ बच्चा पैदा करना ही प्रकृति है, वही भगवान का वरदान होता है। अब तो तू समझ गई ना? दीदी, मनुष्य के लिए रिश्ता देखकर शादी करके पति के साथ मिलकर बच्चा पैदा करना ही प्रकृति और भगवान का वरदान है, यही कहना चाहती हो ना दीदी तुम? लेकिन गाय और बैल को दूर रख के इंजेक्शन के द्वारा गर्भ और बछड़ा पैदा करना ऐसा क्यों करते हैं? गाय को भी प्रकृति भगवान का वरदान मिलना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं है? हमारे साथ रहने वाले गाय और बैल, उनका प्राकृतिक तरीका रोकने वाले हम कौन होते हैं? दूध बेचने के लिए बैल और गाय को अलग करके रखते हैं हम। छी, ये सब खराब नहीं लगता आपको? भारत खेती प्रधान देश है, भारत को बदनाम करने के लिए पीछे से चाल चली जा रही है। उनका मकसद पहले हमारी खेती का विनाश करना है, ये पता है आपको? हमारे देश की खेती को खत्म करना है तो हमारे देश में गाय बैलों को खत्म करना होगा, इसलिए कुछ संस्थाएं यहाँ पर कूली बनकर काम कर रही है। हमारे देश में गायें गर्मी में सूखी घास खाकर, थोड़ा सा पानी पीकर ऐसे ही जी रही हैं। बीमारियों से बचाने की ताकत है उस दूध में, उस दूध को पीकर हम भी स्वस्थ रहते हैं। उसका गोबर घर के सामने छिड़कने से कीड़ों का नाश भी होता है और उसी से यूरिया, प्राकृतिक खेती भी होती है। इसमें जो भी उगेगा उससे कोई भी हानि नहीं होती। क्रॉस ब्रीडिंग गाय है, ज्यादा दूध देगी कहते हैं, लेकिन ऐसा दूध पीने से बहुत सारी बीमारियां भी लगती हैं दीदी, ये किसी ने नहीं बताया ना? ये सब बिजनेस है, इंजेक्शन बेचने वाला ही उस बीमारी की दवा भी बेचता है। इतना ही नहीं, बीमारियों से बचाने वाले हमारे दूध को ए टू दूध कहते हैं, और तो और बीमारियों को ज्यादा फैलाने वाली क्लास गाय को A1 दूध कहते हैं, ये कहाँ का न्याय है? सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, नई नई दवाइयां बना के फसल के लिए बेचते भी हैं, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं और इससे मिट्टी ही नहीं मनुष्य भी कमजोर पड़ रहा है। हमारी फैमिली में फर्स्ट डिग्री लेने वाली मैं ही हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि इस खेती परिवार की अब मैं आखिरी जनरेशन हूँ। हम जिस देवी माँ की पूजा करते हैं वो जरूर हमें बचाएगी। हमारे देश में प्राकृतिक खेती होनी चाहिए और जरूर होगी। आपका नाम शैलू है ना? आप पहचाना नहीं मुझे? याद तो नहीं आ रहा है। दसवीं में आप, बारहवीं में मैं, जब स्कूल में फर्स्ट आए थे तो हम दोनों की बड़ी सी फोटो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई थी, तुम्हें कुछ याद नहीं है? याद आया, आप हरी है ना? हाँ मैं ही हरी हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें याद आ गया। कैसे हैं आप? I'm fine. How are you? भी अच्छी हूँ। मैं आपकी इतनी देर से स्पीच सुन रहा था, इट वॉज रियली सुपर्ब। आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं आजकल वेटरनरी कॉलेज में फाइनल ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे आप क्या कर रहे हैं?
मैं यूएस में एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं अभी शहर की तरफ ही जा रहा हूँ। इफ यू डोंट माइंड कैन आई ड्रॉप यू? दीदी क्या मैं हरी के साथ जा सकती हूँ? ठीक है शैलू, अच्छा लड़का है, आप इसे हॉस्टल में छोड़ दीजिएगा। शैलू तुम वेटनरी डॉक्टर पढ़ रही हो, इसलिए इतनी फील के साथ स्पीच दे रही थी ना? वेटनरी डॉक्टरी पढ़ रही हूँ सिर्फ ये वजह नहीं है हरी, देश की गाय भैंसों के बारे में अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पे कुछ भी देखेंगे तो आप भी इसी तरह फील करेंगे। आई सी। हेलो हेलो हरी, सिग्नल नहीं आ रहा है, जरा साइड में रोकेंगे क्या? या मैं रास्ते में हूँ यार, बस एक घंटे में पहुँच जाऊंगी। ठीक है चल अब रखती हूँ, बाय। हरी जरा बाहर तो आइए प्लीज। क्या हुआ? जरा ये तो देखिए। ये कैसे हुआ? ये विजुअल YouTube का है। How many cattle can be transported in one truck? ऐसा इस लिंक में है। ये लो। अब तो समझ गए ना आप जो मैं फील करती हूँ? मैं समझ सकता हूँ। ओके अब चले। हम भी खेती के परिवार से हैं, जानवर अलग हैं, इंसान अलग हैं, ऐसा भेदभाव हम लोग कभी नहीं करते। सबकी जान एक ही तो है, इसी बात को एक महान कवि ने 2000 साल पहले बोला था, सभी का जन्म एक ही बार होता है। इसीलिए सूखे खेतों को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, सच में बहुत बुरा लगता है। शैलो तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसलिए डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। ओके आई कॉल यू बैक। ओके ओके सी यू, बाय बाय। थैंक यू। हाँ शैलो। दीदी रूम में चली गई क्या? अभी आई हूँ दीदी। ठीक है ठीक है, तुम फ्री होने के बाद मुझे कॉल करना। ठीक है दीदी, जरूर फोन करूंगी। ठीक है बहन। हाय हरी। हाय, क्या लोगी? बस कुछ नहीं, अभी हॉस्टल से नाश्ता करके आ रही हूँ। आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? गांव में उस दिन जो आपने स्पीच दी थी ना, वो मैंने अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप किया हूं। हाँ। और फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया हूं। एक ही दिन में पूरे 2000 लाइक्स मिले हैं। वाह। उससे ज्यादा अच्छी बात ये है कि बाहर के देशों में रहने वाले इंडियंस जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी लाइक और कॉमेंट किया है। ये देखो। हाय शैलू, दिस इज जय फ्रॉम ब्राजील। एक छोटे गाँव में पैदा होके माँ बाप की मेहनत से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर यहाँ विदेश में आके उनके लिए काम कर रहा हूँ। वैसे अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन माँ बाप से बात करने का भी टाइम नहीं है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में तुमने सबको गाय भैंसों के बारे में, खेती के बारे में जो स्पीच दी है, रियली सुपर है बहन। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद योर स्पीच। हमारे देश के गुजरात स्टेट की पारंपरिक गाय और भैंसे यहाँ ब्राजील में है। उन गाय भैंसों को यहाँ के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। उसी तरह राजस्थान स्टेट की ब्रह्मा जाति की गाय अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है। हमारे देश की संपत्ति को और मर्यादा को वहाँ पर वो लोग पूरी इज्जत और मान दे रहे हैं। बट हमारे देश में सब पॉलिटिक्स सब है। तुम्हारे ख्यालात और ख्वाहिश की जरूर जीत होगी बहन, मैं ऐसा मानता हूँ। और उसके लिए मैं 25 लाख भेज रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ बसे इंडियन से एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट करके वो भी मैं तुरंत भेजूंगा। आई विल डिस्कस विद हरी अबाउट दिस, उसके बाद मनी ट्रांसफर करूंगा। इतना बड़ा अमाउंट लेके हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे गांव में रहने वाले 1000 गायों को सिलेक्ट करेंगे, और हर एक गाय के लिए हर महीने 3000 रुपए भेज दिए जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? पेंशन लेने वाले माँ बाप को जैसे बच्चे अच्छी तरह से संभालते हैं, उसी तरह हर महीने पैसे मिलने पर गाय की अच्छी तरह देखभाल होगी, और वो लोग उन्हें बेचेंगे भी नहीं। देश में गायों की और बढ़त होगी,
एक साल में तो आप फॉरेन जाने वाले हैं, इतने कम समय में 1000 गाय आप कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे? वेरी सिंपल, सबसे पहले पेपर में और टीवी में और छोटे छोटे अखबारों में एड्स देंगे और देश की गाय भैंसों का इंश्योरेंस करवाएंगे, फिर उनके कान में नंबर आईडी डलवाएंगे और वीओ सर्टिफिकेट देने के लिए, वेटनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए, ऐसे सारे काम इंश्योरेंस कंपनी ही संभाल लेगी। इंश्योरेंस सही होगा तभी हम हर एक गाय को हर महीने 3000 रुपए दे पाएंगे। आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बिफोर आई लीव इंडिया। इस प्रोजेक्ट में तुम मेरे साथ रहो, इतना ही काफी है। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? ओके। शादी के लिए गांव जाना है, 2 दिन छुट्टी चाहिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने एक व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा है, जरा देखना तो। वैसे ही फेसबुक में शैलू की पोस्ट भी चेक कर देना। ओके सर। क्रॉस ब्रीडिंग गाय है ज्यादा दूध देगी ये कहते हैं, लेकिन ऐसा दूध पीने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ये किसी ने नहीं बताया क्या? क्योंकि ये सब बिजनेस है, इंजेक्शन बेचने वाले ही उस बीमारी की दवा भी बेचते हैं। देखा आपने सर? सर, विद इन नो टाइम इतने सारे लाइक्स आए हैं और सुना है इस पर एक वेबसाइट भी शुरू हो रहा है। सही सुना। अब हमें क्या करना होगा? आप तुरंत निकलकर ऑफिस में आइए, मैडम आ रही हैं। ओके ओके सर। सर, मेरी छुट्टी के बारे में? पहले गाड़ी निकालो। दुर्रई, पैसे मिलने पर तो सभी खुशी मनाते हैं, मुसीबत आने पर उसका हल कैसे निकाला जाए ये कोई कोशिश नहीं करता है। कहाँ है मिल्क एक्सपोर्टर, मेडिसिन इंपोर्टर? कहाँ है? वैसे सब बॉस बने फिरते हैं। उन्होंने पहले से फोन पर सब बता दिया है, मैडम के आने पे बात कर लेंगे। मैडम, ही इज मिस्टर महेंद्रा, बीफ एक्सपोर्टर, ही एक्सपोर्ट मोर देन 60%। हेलो मैडम। हाय। एंड ही इज मिस्टर दुरई, ही इज ओनिंग ए लेदर गैलरी, ही इज एक्सपोर्टिंग लेदर टू वेरियस कंट्री, ही इज ओनिंग कॉ फर्म। हेलो। हेलो मैडम। वन मोर पर्सन इज मिसिंग हियर, he is having milk product exporting company, and he is also importing wet medicine. Okay, don't worry, I know hindi, aap sari details mujhe explain kar sakte hain. Okay madam. भैंस और गायों के लिए इंश्योरेंस और मदद के लिए पैसे, हम उसे इसी तरह छोड़ देंगे तो बीफ एक्सपोर्ट में मेरा एक साल में 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। इंडिया में जो बीफ एक्सपोर्टर्स हैं उन सब की गिनती करेंगे तो 30,000 करोड़ का लॉस आएगा। पहले से बीफ एक्सपोर्टिंग में महाराष्ट्र 5वें नंबर पर है, और अगर यही हाल रहा तो महाराष्ट्र आखिरी नंबर पर हो जाएगा। हमारी भैंसों की चमड़ी से बनते हैं कलर्स कलर्स के चप्पल और बैग भी, अमेरिकन और यूरोपियन उन्हें बड़ी दिलचस्पी से खरीदते हैं। गाय के लिए इंश्योरेंस और पेंशन कह के 100 से शुरू करके 1000-2000 तक जाएगा तो साल में 6000 करोड़ का लॉस मुझे ही होगा मैडम। हमारे देश का बीफ खाने में स्वादिष्ट है, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यही कारण है कि ब्राजील के लोग भी जो बीफ खाते हैं उसमें 60% हमारे देश का होता है। बासमती चावल से ज्यादा बीफ का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। बाहर के देशों से इंपोर्ट हो रही गायों की खुराक और उनके लिए दवाइयाँ, जिनकी वजह से गाय एवन दूध देती हैं, जिससे लोगों को बीपी शुगर जैसी बीमारियां हो रही हैं, उनके लिए दवाइयां और पैकेट वाले दूध में जो यूरिया होता है और उससे होने वाली बीमारियां, इन सब के लिए दवाइयां हम ही बनाते हैं। ये इसी तरह चलता रहा तो ओवरऑल हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो कौन है इसका पता कीजिए, उसे क्या चाहिए, कितने करोड़ चाहिए, हमें उसका मुंह बंद करना होगा। मैंने पहले उसे पैसों का लालच देकर बात करवाई थी, लेकिन वो पैसों के आगे झुकने वाली नहीं है मैडम। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, उसको तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर काफी यूथ भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इट्स नॉट जस्ट योर लॉस, ओके, इट्स आवर बिजनेस लॉस एंड योर कंट्री लॉस। किल हर, चाहे कुछ भी करो, यू हैव टू डू दिस बिफोर आई लीव टू डेनमार्क। ओके 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 मैडम, वी विल प्लान एंड वेट। यहाँ पे एक दस्तखत कीजिए। सर आप भी। हमने जैसा सोचा था उसी तरह गायों का इंश्योरेंस भी करवा दिया है। मैं अब कॉलेज जा रही हूँ, और जब आप फॉरेन चले जाएंगे तो ये सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। अगर मैं फॉरेन चला भी जाऊँ तो भी मैं वहाँ से काम कंटिन्यू रखूंगा। Got it? तो फिर हरी, आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? कल रात को 10:30 बजे। उस गाय को देखिए, उसकी देखभाल करने वाले उस बूढ़े आदमी को देखिए, पीने के लिए पानी भी नहीं है,
फिर भी देखिए कितनी मेहनत कर रहा है वो। और बाहर देश वालों को देखिए, जिस काम के लिए पानी ज्यादा चाहिए उसी काम के लिए झील के किनारे, तालाब के किनारे फैक्ट्री लगाकर बैठ गए हैं वो। एक कार बनाने के लिए 400,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। ये बात तो पता होगी ना आपको हरी? कौन सी बात? हम जो पैरों में पहनते हैं ये शूज, उसे बनाने के लिए 16,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। और यहाँ खेती बाड़ी करने तक के लिए पानी नहीं है, यही नहीं पीने तक के लिए पानी नहीं है। पूछो तो, कहते हैं नौकरी और उन्नति का सवाल है। थैंक यू भैया। हेलो दीदी, कैसी हो तुम? हाँ शैलू, ठीक हूँ बहन। क्यों डिस्टर्ब कर दिया मैंने? नो, कॉलेज नहीं गई क्या तू? नहीं दीदी, मैं ECR नगर में 9th Cross Street में आई हुई हूँ। कॉलेज छोड़कर वहाँ क्या कर रही हो तुम? कल ही तो बात करते वक्त बताया था ना मैंने कि 1,000 गायों के लिए इंश्योरेंस पेंशन देने के बारे में बताया था। बाहर देश में काम करने वाले लोग हमारे देश के लोगों को डोनेशन देकर हेल्प कर रहे हैं। हमारे शहर के किसी VIP ने मुझे पहली बार यहाँ बुलाया है, उन्हीं से मिलने आई हूँ। बंगला देखने में तो महल जैसा है, एकदम शानदार। पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी गायें हैं लगता है सभी का इंश्योरेंस यही दे देंगे। ठीक है, वैसे तुम किसके साथ गई हो वहाँ? अकेली ही आई हूँ। कभी किसी लड़की को अकेले नहीं जाना चाहिए, समझी तू? वो भी अनजान जगह पर, पढ़ाई सब छोड़कर ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, तुम चिंता मत करो। लाखों में मदद करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनसे मदद लेकर गायों को बेचने से रोक सकेंगे, उन्हें बचाएंगे, तो हमें कितना पुण्य मिलेगा ना दीदी। अनजान लोगों से इस तरह मिलना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है शैलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत दीदी, अभी लाइन काट के वीडियो कॉल करती हूँ मैं और फोन पॉकेट में रख लूंगी। मैं किस तरह बात करके डोनेशन लेने जा रही हूँ ये तुम लाइव देख सकोगी, फिर देखना तुम्हारी बहन की सब कितनी तारीफ करते हैं। ठीक है दीदी, कुछ लोग पैसे देने की बात किसी को बताना नहीं चाहेंगे, इसलिए तुम खुशी से फोन पर बात मत करने लग जाना। अगर तुम बात करोगी भी तो वॉल्यूम कम रखूंगी, कुछ सुनाई नहीं देगा, पर फिर भी ध्यान रखना। ठीक है दीदी, प्लीज। ओके दीदी। Welcome. Good morning. This is Shailu from Vepiri Veterinary College, final year student. I know. Please sit down. Thank you, sir. Darling, one more coffee. रहने दीजिए सर, मैं अभी ब्रेकफास्ट करके ही आई हूँ। आप कहाँ की हैं? चंद्रकांतपुर। Good morning. Hi, ma'am. Hi, have it. Thank you. मैम, आपने क्यों कॉफी बनाने की तकलीफ उठाई? VIP के लिए मैं ही बना के सर्व करती हूं। मैं और VIP किसान लोग खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे और खुदकुशी कर रहे हैं, ऐसा मैं डेली न्यूज में देखती हूँ। और तुमने तो 1,000 गाँव को बचाने का निर्णय लिया, ये बहुत बड़ी बात सिर्फ है। गायों को ही नहीं बचाया है तुमने, अपनी देश की परंपरा को बचाया है। और ऊपर से एक ही हफ्ते में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में आपके लिए 2,000 लाइक्स आए हैं। आप VIP नहीं, VVIP हैं। हाँ, कॉफी लीजिए, ठंडी हो रही है। या आई एम गेटिंग लेट, आई टेक यू, कैरी ऑन, टेक केयर। ओके, आई हैव टू लीव, यू एंजॉय योर कॉफी। थैंक यू।
ब्लैंक चेक सर, अमाउंट आप ही फिल कर दीजिए प्लीज। आप कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं ये पता नहीं, इसीलिए आप खुद भर लो। थैंक यू सर। बिल्कुल वैसे ही लगेगा, तुम अब ऊपर जाने वाली हो। कॉफी में जो मिलाया है, तू वेटनरी डॉक्टर है ना, ये सब कैसे समझोगी? मजाक सुझ रहा है क्या? ये कितने करोड़ों का बिजनेस है, कुछ जानती भी है तू? तुमने एक ही हफ्ते में वेबसाइट शुरू करके 1000 गायों को बचाया है, इसी तरह बाकी स्टेट में शुरू कर दिया तो हमारा क्या हाल होगा? मेरा तो लेदर बिजनेस है, उसमें 1 साल का नुकसान कितना होगा पता है तुम्हें? शैलू, शैलू वहाँ से भाग जाओ जल्दी। कितने पॉलिटिशियंस का स्टेट में, सेंट्रल में, बाहर के देशों में, उन सब का भी हिस्सा जानते हो तुम? ये सब इसे क्यों बता रहे हो? पहले बताओ इसका क्या करोगे? सोचना क्या है, इसे हाईवे पे छोड़ देते हैं। उस हाल में जनता इसे देखकर पुलिस को बताएगी कि कोई लड़की दारू पीकर सड़क पर चल रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। पेपर में भी यही खबर आएगी। अब आगे जो करना है पहले उसके बारे में सोचो, जाओ। अरे अरे, घर में आई सफेद मछली बर्बाद होने जा रही है, हमारी किस्मत में इतना ही लिखा है। दीदी जल्दी आओ, यहाँ पर कहो तुम, क्या हुआ? शैलू को कुछ हो गया है। अरे, क्या हुआ? जल्दी आओ, जल्दी आओ दीदी। अरे दीदी क्या, जल्दी आओ दीदी। शैलू क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बहन को? दुराई, मैं इसे उतारता हूँ, तुम गाड़ी ले जाके थोड़ी आगे जाकर खड़ी कर दो, मैं आता हूँ। ओके। ए, निकल बाहर, चल आ जा, आ जा। चल नहीं, चल चल चल। गायों के इंश्योरेंस के लिए चेक देने के बहाने से बुलाया। हमारी शैलू को वो मार रहा है, देखो इधर। हे भगवान, we
अपनी दीदी के मरने के बाद बेटे के लिए आपकी बात मान के जीजू से शादी करके मैं यहाँ पर आकर रहने लगी। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? बेटे के लिए तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? लेकिन वो मुझे बिजनेस वाइज और पर्सनल वाइज कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो लगता है कि कुछ मैं क्या करूं पापा? डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गलत रास्ते पे चल रहे हैं पापा। थोड़े दिन लगेंगे, हाँ पापा, हालात सुधर जाएंगे, तुम घबराओ मत। ओके, टेक केयर पापा। क्यों मणिकंठ, उसको ठिकाने लगा दिया ना तुमने? हाँ सर, काम खत्म हो गया सर। ओके ओके ओके, अब आगे क्या करना है? ठीक है, शाम को पार्टी में है ना, वही मिलेंगे। हरी, मुझे अभी अभी पता चला है, दिल को बहुत ठेस पहुंची। कुछ भी हो जाए, शैलू की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, ये समझ लो। और इस मामले में तुम्हें कोई भी मदद चाहिए? ओके। सुनो वैशाली, तुमने दो दिन से खाना नहीं खाया, ऐसे कब तक चलेगा बहन? दीदी, मैं शैलू को भूल नहीं पा रही हूँ। दीदी, मैं शैलू को भूल नहीं पा रही हूँ। दो दिन से मैं यही सोच रही हूँ कि हमारी शैलू के साथ क्या करें हम बहन। हम जैसे गरीबों की तो पुलिस भी मदद नहीं करती, करे तो करे क्या, लेकिन भगवान है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगा, वो जरूर सुनेगा हमारी। हाँ, तू चुप हो जा, चल खाना खा ले, आ जा, चल उठ, उठ जा। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं आ नहीं सका। मैंने आपको भी फोन किया था लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। लास्ट टाइम मैंने जब उससे बात की थी तो वो ECR नगर में 9th Cross Street पर किसी VIP के घर पे मिलने जा रही थी, तभी मुझे डाउट हो गया था। मैं ECR नगर में 9th
अक्रॉस स्ट्रीट में आई हुई हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं फोन रखता हूँ। मैडम, आपने क्यों कॉफी लाने की तकलीफ की? वीआईपी के लिए मैं ही बना के सर्व करती हूँ। Hey Johnny, look at me. Silence. Come on. हाँ. Okay. Come on. Please move off. Let me call you back. I'll just call you back. Are you mad? मैं अपने पापा से फोन पे बात कर रही हूँ और तुम इससे बात करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। इतने बड़े बंगले के लिए ये कुत्ते ही हमारे सिक्योरिटी हैं। थोड़ी देर इनके साथ खेल लिया तो क्या गुनाह कर दिया? तो फिर सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखते तुम? हमारे बिजनेस में बाहर के सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं ले सकते, यही सेफ है। आप जो गलतियाँ कर रहे हो ना, उसके लिए मैं भी मुसीबत में फंसूंगी। So pretty, you know, darling. Naturally तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर ये स्किन केयर के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स और टैबलेट्स क्यों लेती हो? ऑफिस जाने से पहले मुझे मस्का मार रहे हो क्या? अच्छा, तो समझ गई तुम। एक बार पास आओ ना, प्लीज। What's the time now? बहुत टाइम है। प्रभु के आने का वक्त हो गया और ये सब। प्रभु आएगा तो पता चल जाएगा ना। हेलो पापा, यहाँ ईसीआर नगर में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? पापा, इंस्पेक्टर भी यहाँ पास में, उसको जरा फोन देना। ये लो, पापा से बात करो। प्रभु एक्सपोर्ट्स का ओनर बोल रहा हूँ, वो मेरा ही बेटा है। भरी दोपहर में दारू पीकर आया और एक्सीडेंट कर दिया पब्लिक में, वो भी बीच सड़क पर, 100 लोग खड़े देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं इसे छोड़ दो। इसे कैसे छोड़ सकता हूँ सर, आप ही बताइए। केस तो बनाना ही पड़ेगा सर, ड्रंक एंड ड्राइव का केस है। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? जानता हूँ सर। तो इतनी देर क्यों? छोड़ो उसे। ओके सर। सर, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अपने बेटे को समझा दीजिए, उसे वार्निंग दे दीजिए। उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने को बोलिए उसे। संभाल के, संभाल के उठाओ, संभाल के, ध्यान से इसको संभाल के हॉस्पिटल लेके जाओ। आराम से, ध्यान से सर। दर्द हो रहा है क्या? आ जाओ, चलो अंदर चलो, ध्यान से। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, बाइक लेके जाओ, कार मत लेके जाओ, और ऊपर से ड्रंकन ड्राइव भी
मनीषा इसका बैग अंदर लेके जाओ, चल जा अंदर। आप बैठिए। सॉरी डियर, सिर्फ पैर में ही चोट लगी है और कहीं कुछ नहीं हुआ है। वैसे तुम रहती कहाँ हो? मैडम गांव में खेती करके गुजारा करना मुश्किल हो गया था, तभी यहाँ घर का काम करके अपना पेट भरने के लिए आई हूँ। वहाँ से आते वक्त पैर में चोट लग गई। मेरे घर में घर का काम करने वाली सिर्फ एक ही है, अगर तुम भी उसका हाथ बटा दो तो उसकी मदद हो जाएगी। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता हमारे गेस्ट हाउस में रह सकते हो। ओहो, इसको भी घर में रख रहे हैं क्या? हेलो सर। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू मैडम? फाइन डॉक्टर। मैंने आपको फोन में बताया था ना इन्हीं के बारे में। कहाँ चोट लगी है बताइए, ऐसे साइलेंट क्यों हो, बताओ। पैर के घुटने में चोट लगी है। इन्हें अंदर रूम में ले जाना होगा। मनीषा इन्हें अंदर लेके जाओ। ठीक है साहब, आराम से आराम से सर। चलो सुनिए, आप आराम से अपना पैर ऊपर रखिए। कार में मेरा बैग है, जरा ले आएंगे प्लीज? ठीक है डॉक्टर। अच्छा दर्द कहाँ है बताइए? इधर। यहाँ पे थोड़ी साड़ी ऊपर कीजिए। यहाँ दर्द है? नहीं है। यहाँ? यहाँ पर है? अच्छा ठीक है। अपने पैर को पूरी तरह से मोड़ो, ऐसे नहीं पूरा बेंड करो, इस तरह, इस तरह, और हाँ। अब तुम अपने आप ट्राई करो। वेरी गुड। ओके ओके ओके, थोड़ा पल्लू हटाना, और थोड़ा सा। अब लंबी सांस लो। और लंबी सांस लो। गॉड्स ग्रेस। कार एक्सीडेंट में कोई खास चोट नहीं लगी, घुटनों में ही दर्द है तुम कह रही हो, घबराओ मत। इसे वापस जाकर कार में रख दीजिए। ठीक है डॉक्टर। इस दवाई से जहाँ पर दर्द है वहाँ पर मसाज कर लीजिए, साड़ी टच मत होने देना, और दो घंटे के बाद इसे साफ कर लेना। ओके, टेक केयर। घर में ही आसरा दे दिया है, जाओ यहां से। हाँ जब देखो तुम इसी तरह ही नखरे करती रहती हो। वो देखने में इतनी स्मार्ट, गांव की भोली भाली खूबसूरत तितली है। व्हाट आर यू सेइंग? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ दिन पहले ही ईसीआर रोड पर एक लड़की ने खूब पीकर एक लड़के पर कार चढ़ा के उसे मार डाला था। उसे पुलिस केस प्रेस उन सब लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। फिर उससे पूछा था कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ऐसे वैसे पेपर में लिखकर उसका नाम बहुत खराब कर दिया था।
इसीलिए हमारे मामले में भी कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़ जाए, इसीलिए उस लड़की को हमारे घर पे ही रखकर ट्रीटमेंट देने की सोची। ये सब मैंने हमारी भलाई के लिए किया है। 3 महीने के बाद मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? इतनी डिटेल में समझाया तुम्हें, अब तो समझ गई ना? चीप समझ रखा है, वो नहा रही है और तुम छुप छुप कर देख रहे हो। ये गलत बात है ना? अगर तुम्हें दोबारा यहाँ देखा ना, जाओ। ए, और तुम क्या कर रही हो? तुम अपने आप को महारानी समझती हो? बाथरूम में नहा कर आई और बेडरूम में आकर कपड़े बदल रही हो, और वो भी पूरी खिड़की खोल कर। चल खिड़की बंद कर। में दर्द कैसा है? अब ठीक है मैम। तुम्हारा नाम क्या है? वैशाली। गांव में सब मुझे दूध वाली कहकर बुलाते हैं। दूध वाली? हाँ मैम साहब। वाओ,
ब्यूटीफुल। काम वाली ने आज तो इतना सुंदर इसे सजा दिया है फूल लगा के। नहीं मैम साहब, ये मैंने ही बनाई है। हाँ नाइस नाइस। थैंक यू मैम। कहाँ तक पढ़ी हो तुम? बीए तक। शॉपिंग में इतनी देर लगा दी, पार्टी में जाना है, याद है ना तुम्हें? सो सॉरी, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। प्लीज प्लीज जस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, ओके, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सारे बैग जाके मेरे रूम में रख देना और एक कॉफी लेकर आना, ओके? अरे नहीं नहीं, अब टाइम हो गया है। मैडम, इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। इस साड़ी के लिए मैचिंग मैं सेट करके दूं? ओके। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए ये मैचिंग ठीक रहेगा। ओके। इज इट गुड? बहुत सुंदर। थैंक यू। यही ना? यही ठीक। ओके। साड़ी कहाँ से ली मैम? पुणे से। बहुत बढ़िया है। तुम्हें पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई मैम। इस साड़ी के लिए यही हार अच्छा लगेगा। अब सब ठीक है ना? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ मैडम, कॉफी? सब रेडी हो गई हैं, बस आ रही हैं। Great job. Thank you, sir. मनीषा जी साहब, लंच हम वहीं करके आएंगे, तुम फिश लेके आना और स्पेशल करी बनाना। ओके मनीषा, ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है साहब। साहब कह रहे हैं फिश करी बनानी है, मैं जाकर फिश लेकर आती हूँ, तब तक तुम मसाला तैयार करो, अच्छे से पीसना, तिलवट्टे में पीसना, साहब को पसंद आएगा, समझ गई ना?
यार तू कहाँ पर है इस वक्त? चल बाय। हाँ क्या हो गया? क्या हुआ आँख में? क्या हुआ बताओ ना। मसाला बनाते वक्त आँख में कुछ गिर गया है। अच्छा एक मिनट मैं फूंक मारता हूँ। एक मिनट। छोड़ी छोड़ी बहुत जल रहा है। पानी वहीं पर है। छोड़िए पानी कहाँ है? आजा आजा आराम से। आंखें लाल हैं, ड्रेस खराब हुई पड़ी है। मसाला वो पीसते समय आंख में पड़ गया था। पकड़, आज संडे है, मैं घर जल्दी चली जाऊंगी। पार्टी खत्म करके साहब लेट आएंगे, सोना मत। साहब के आने पर उन्हें खाना परोसना, समझ गई? देखो तो ऐसे छोटी सी फ्रॉक पहन के घूम रही है। कौन है ये? अरे बाप रे, आज संडे है, सोचेंगे नशे में मैंने ही बुलाया होगा इसको। ये देखने में तो कोई ऐसी वैसी ही लगती है, लगता है कोई काम करने वाली है। अरे वाह, तुम तो इशारों से सबको लुभा लोगी। ये तो बहुत कम है,
बहुत सारा काम बाकी है। ओ, तो ये बात है। यही तो बात है। अरे वाह, आओ चलो काम की बातें करते हैं। जो भी चढ़ी थी वो सब उतर गई। ECR रोड में बिना सिक्योरिटी के इतना बड़ा बंगला इसी काम के लिए रखा है। वैसे इससे पहले भी तुम यहाँ आ चुकी हो क्या? अरे आपको डाउट हो रहा है? एक दो की बात होती तो याद भी रखता, कितनों को याद रखूं मैं? गाल में ही तो हाथ लगाया, इतने में ही दर्द से मचल रही हो। दर्द हो रहा है? ओ, हिलने से ही दिल मचल रहा है, बैठो ना। सुबह होने से पहले आ गई, कल कहाँ रुकी थी? अबे हो, कल मैं कहाँ थी, परसों मैं कहाँ थी, इससे तुम्हें क्या लेना? अब मैं किस काम के लिए आई हूँ उस पे ध्यान दो, समझे? इसको तो इज्जत से बात करने भी नहीं आती, गंवार लगती है बिल्कुल। मेरे घर में आके तेरी बेइज्जती कर रही है तू। इसको संभालने के लिए क्वार्टर रोड लगाना ही पड़ेगा। अरे सुनो, यही पीते रहोगे तो आगे क्या करोगे तुम? ये क्या, तुम इतने गुस्से वाली हो? देखने में तो केरला वाली लगती है और चाल में बिहार वाली लगती है। अब क्या करूं मैं, इसे कैसे संभालूं? ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? वाह, कुछ नहीं, कल रात कुछ ज्यादा पी ली थी तो बदन में बहुत दर्द हो रहा है। तुम अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो, बाकी सब मैं संभाल लूं। तो ये बात है? यही तो बात है। तब तो मेरा काम हो गया। रस्सी किस लिए? ये तो इंग्लिश फिल्म का स्टाइल है। ऐसी बात है? ऐसी बात है। मैं तो डर गया था। ये क्या कर रही हो? पता नहीं क्या कर रही है ये सब। चलो इसमें भी कोई मजा ही होगा। क्या लुक है इसकी है। पूरा बदन मसाज कर रही है। तुम्हें जहां आना चाहिए था वहीं आई हो। जा। क्या ये चाकू किसने निकाला? मैं उसकी बहन हूँ रे, समझे नहीं? कौन हो तुम? तुम लोगों ने धोखे से मेरी शैली क्या कर रही हो? उसका यही अंजाम है। वैशाली दीदी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, जैसा हमने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। वो लड़का अब मेरे बेडरूम तक आ गया है। हमारी शैलू को जिन्होंने बीच रोड में धोखे से मारा था, उसमें से एक को खत्म कर दिया। वहाँ क्या हो रहा है? थोड़ी प्रॉब्लम है। इस घर में काम करने वाली नौकरानी हमारे प्लान को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दे रही है। क्या करूं? हमारी बहन को जिसने मारा उसको खत्म करने के लिए जो भी बीच में आया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बोलो क्या करना है, बताओ मुझे। वो भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली की है, हमारा प्लान पूरा होने तक वो काम पे ना आए तो बेहतर होगा। ठीक है ठीक है, एड्रेस बताओ मुझे, कल ही मैं वहाँ आती हूँ। ECR नगर 5th Cross Street, पहुँचते ही मुझे कॉल करना, मैं सब समझा दूंगी। ठीक है, मैं कल वहाँ आकर तुम्हें फोन करती हूँ। अगर मैं चाहती तो उन तीनों के खाने में जहर मिला के मार सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, इसके लिए मेरा दिल नहीं मानता। हम बहनें अलग होके किस तरह तड़प रही हैं, उसी तरह उन लोगों को भी तड़पना होगा। जिस चेक को देने के बहाने उसने हमारी बहन को धोखा दिया था, हमारी बहन का जो लक्ष्य था गायों का इंश्योरेंस कराना, उसे पूरा करने के लिए दीदी उस चेक को वापस लेके ही हमें उन्हें खत्म करना होगा। ठीक है, मैं रखती हूँ,
संभल के। आराम से आराम से, बस आ गया तुम्हारा रूम, पहुंच गए। मनीषा कौन है वहां पर? अपना घर आ गया। भीम साहब को क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैडम की तबीयत थोड़ी खराब है और कुछ नहीं, इन्हें इनके बेड पे जाकर सुला दो। ठीक है, मुझे चक्कर आ रहा है। थैंक यू। संभल के मैम। वैशाली, इतनी जल्दी ड्रेस चेंज करके आएगी तुम? मैं ठीक हो गया सर, अब फ्रॉक और दवा की जरूरत नहीं है, अब साड़ी ही पहनूंगी। नो नो नो, यहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर्स हमेशा आते जाते रहेंगे, तुम मॉडर्न कॉस्ट्यूम में ही रहो, कोई बात नहीं। ठीक है सर। तुम डिग्री तक पढ़ी हो, वाइफ बता रही थी। हाँ बिल्कुल सर। वेरी गुड। Delicious. कमाल का खाना बनाया, किसने बनाई है ये फिश करी? मैंने ही बनाया सर। Delicious. Thank you. प्रभु ने खाना खा लिया? उन्होंने खाया है सर, अपने फ्रेंड से मिलने गए। इतनी रात गए? हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ दीदी, कहाँ हैं आप? जहाँ बताया था वहीं आ गई हूँ। एक बड़ा सा गेट है, वहाँ से एक नाटी सी थोड़ी मोटी हाथ में बैग लेकर एक औरत बाहर आएगी। ऐसा क्या? वही है। हाँ देखा देखा, आ रही है। ओके दीदी। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। ए, रुको, कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? कौन? मेरी चेन ना ले, छोड़ मुझे, चल, रुक, चल, ले मुझे, ले, रुकती है कि नहीं? मोनी, 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 उठो मोनी। आराम से बैठो, आराम से। आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना मोनी? हो
व्हाट इज द टाइम? 10 बज गए। कल पार्टी में हम सब ने ड्रिंक्स लिया था, उस समय तुमने भी तो कहीं, व्हाट आर यू सेइंग, जूस में कहीं किसी ने अल्कोहल तो नहीं मिला के दे दिया? चांस ही नहीं है। तो फिर रात में नशे में क्यों थी? मैं इतना बोल रही हूँ, भरोसा नहीं है क्या? हेलो, कौन? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या बात है? एक्सीडेंट किसका? मनीषा का? कौन सी हॉस्पिटल में है? ओह ठीक है ठीक है, उसका ख्याल रखिए, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? हमारे घर में जो काम करने वाली मनीषा है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ, चलोगी क्या? मुझसे नहीं होगा, प्लीज आप ही जाकर देखाइए ना प्लीज। ओके टेक केयर एंड प्लीज सेंड अ कॉफी। या श्योर। इसी बात को लेके आप टेंशन में है ना? हाँ बिल्कुल। आप चाहोगे तो इस टेंशन को दूर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली सेक्स ऐसी चीज है कि टेंशन में रहने पर दवा का काम करती है। Thank you.
कॉफी। मैं जानती हूँ तुम किस लिए मुझसे बात नहीं कर रहे हो। नाराज हो, तुम्हारे पापा को मेरे साथ देखा था तुमने, उस वक्त मैं उन्हें रोक नहीं पाई। पहले उन्होंने फोर्स किया था। देखो मैं क्या करता हूँ। मेरी बात सुनो, रुको प्लीज। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। वहाँ बिस्तर पर पड़ी तुम्हारी बीमार माँ को पिताजी के बारे में पता चलेगा तो। गुड मॉर्निंग सर। सर टिफिन तैयार है। मुझे नहीं चाहिए। सर नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा मेम साहब के बारे में सोचकर परेशान मत होइए। मेम साहब को मैं संभाल लूंगी। सिर्फ वही टेंशन नहीं है, प्रभु कॉलेज नहीं जा रहा है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, इतनी छोटी उम्र में इतनी गंदी आदत लग गई है उसे। टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे हैं। डे या नाइट? डे है मैम। सर अभी अभी ऑफिस गए हैं। हम दोनों हमेशा एक साथ कार में ऑफिस जाते थे, तो क्यों मुझे जगाए बिना चले गए वो? इस घर में मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। क्यों मैम, सर के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा आजकल कॉलेज नहीं जा रहा है, कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, इन सब बातों को फील करके ऑफिस गए हैं। प्रभु कॉलेज नहीं गया क्या? नहीं गया, घर पे ही है। मैम कॉफी। कॉलेज क्यों नहीं गए? नहीं गया। क्यों? एक माँ पूछ रही है और तुम साइलेंट हो। क्या तुम हो मेरी माँ? What? जब देखो ऑफिस में ही रहती हो, तुम मेरी एक अच्छी माँ तो नहीं बन सकी, कम से कम एक अच्छी पत्नी तो बन के दिखाओ, वरना वो किसी और के साथ। वो तेरे पापा है, उनके बारे में ऐसे बोल रहा है। इडियट।
मैडम, सर के कपड़े आयरन करते वक्त पॉकेट में ये झुमका मुझे मिला है। ये तो मेरा नहीं है। मोनी उठो। What? उठो, चलो चल के कॉफी पीते हैं। चलो, नहीं तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलो उठो मोनी, उठो, come on। छोड़ो मुझे। चलो उठो। Please, छोड़ो। You're always sleeping, मोनी। No, come on, leave me। जिद मत करो, leave me alone। चलो, leave me। देखो अपनी शक्ल देखो, क्या हालत बना के रखी है तुमने। सुंदर बनने का शौक चढ़ा था, तरह तरह के गोलियां खाती रहती हो। दिन कब हुआ, रात कब हुई, ये पता ही नहीं चलता तुम्हें। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो कम ऑन। नो, चलो चलो मोनी। नो, इतनी जिद क्यों कर रहे हो मोनी। मैंने अपने कमाई से बनाया ये। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मुझे और अपनी माँ को रिस्पेक्ट देनी होगी। तू हंस क्यों रहा है? चल, चल बाहर निकल, चल निकल, चल दबाओ जा, चल। मुझे माफ कर देना, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? गुस्से में तो मारा था ना, मैंने तुम्हें मौसी बन के कभी नहीं पाला। माँ, तुमने मुझे मारा, मैं इसलिए घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। पिताजी कहते हैं कि ये घर उनका है, उनके पैसों का है। इतना कुछ सुनने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं बोल रही हूँ ना, तुम यही रहोगे। जैसे मुझे भेज दिया, कल को आपको भी भेज सकते हैं। मैं अपने दोस्त के घर पे रहने जा रहा हूँ और बीच बीच में आपको कॉल भी करते रहूंगा। प्रभु, बैग लेके कहाँ जा रहे हो? बस मेरी माँ का ध्यान रखना। तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से जाओगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? तुम यहाँ रहोगे तो मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। ऑलरेडी घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा ये घर छोड़कर जाना ही ठीक होगा। मेरे लिए रुक जाओ प्रभु। रोज फोन करूंगा तुम्हें।
अंदर आओ। तुम भी जाओ यहाँ से। मीम साहब, निकलो अभी। तुम जो प्रभु से बात कर रही थी ना, मैंने सब सुन लिया है, मुझे सब पता है। मेरे बेटे ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया, इसीलिए तुम्हें हमने घर पे रखा था। इसका तुम और फायदा नहीं उठा सकती। अब निकलो यहाँ से, अपना बैग लेके आओ। आपको ही संभालना पड़ेगा। ओके मैडम, टेक केयर, बाय। अरे ये फिर क्यों वापस आ गई? चलो देखते हैं। जाने में देर हो जाएगी। हमारे पार्टनर को जिस तरह मार दिया था, दुरई को भी वैसे ही मार दिया है। ठीक है। We'll be right back.
क्या हुआ? ये चाकू क्यों ले रखा है हाथ में? वो काम वाली कहाँ गई? उसे घर से बाहर निकाल दिया मैंने। जिसे तुम्हारी हेल्प के लिए रखा था उसे ही निकाल दिया? वो मेरी मदद कर रही थी या तुम्हारी मदद कर रही थी? मोनी मोनी प्लीज, कब क्या बात करनी है तुम्हें समझ भी नहीं आता क्या? प्लीज प्लीज, जिंदगी में मुझसे एक ही भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो प्लीज। वैसे यहाँ क्या हुआ बताओ? छी प्लीज, आज तक मैं नशे में थी, इसका कारण ये है कि वो मुझे कॉफी में के दे रही थी। मैं ही लाया हूं इस कॉफी को। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप जाकर प्रभु को वापस ले आइए। ठीक है मोनी, मैं प्रभु को वापस लेके आता हूं। आइए आइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। आइए बैठिए। जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हारे बेटे ने मुझे और मेरे बेटे को बता दिया। छोटी सी बात को बड़ी करके आप टेंशन ले रहे हैं। गलती सारी मेरी है, नई काम वाली रखी ना, इसीलिए इतनी बड़ी मुसीबत आई है। इसीलिए बेटे को सॉरी बोल के उसे घर ले जाने आया। बेटा दो दिन में आ जाएगा, आने दो, मैं उसे भेज दूंगा। अच्छा, मेरा बेटा यहाँ नहीं है? नहीं है, थोड़ा गुस्से में था, उसे रिलैक्स होने के लिए अपने बेटे के साथ गोवा भेज दिया। ठीक है, ये पूरी बात मैं अपनी वाइफ को फोन करके बता ओके।
इसमें कुछ मिलाया है? पियो, मैंने कहा कॉफी पियो तुम। नो नो जानती हो कौन हूँ मैं? शैलू की बड़ी बहन हूँ मैं। हाँ, शैलू मेरी जान थी। इसी जगह पे ना मेरी बहन शैलू को कॉफी में टैबलेट मिला के दिया था तुमने। सच में मैं कुछ, तुम नहीं, कुछ नहीं जानती हो? अरे अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? कुछ नहीं जानती हो? मेरी बहन शैलू को धोखे से घर में बुलाकर ब्लैंक चेक देने के बहाने किसने धोखा दिया? मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं जानती हो तू? बता मुझे, कहाँ गया तेरा पति? कहाँ है चेकबुक? दिखा, चल यहाँ से। ए, चल, चेकबुक मुझे दे। प्लीज मुझे छोड़ दो। चल यहाँ से। प्लीज छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो मुझे। चल, चल इधर। चल। प्लीज, चेकबुक कहाँ है बता? उस अलमारी में है। हे, छोड़ उसे। मुनी, 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 क्या हुआ मुनी? संभल के यहाँ बैठो, बैठो। Are you okay? मुनी, मुनी, जवाब दो मुनी, मुनी, मुझे देखो, मुनी, हे, तू वहाँ क्या कर रही है? हे चेक मिल गया तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे क्या? हाँ, मैं देखने में ऐसे लगता हूँ और पक्का राउडी हूँ। स्टॉप पेमेंट कर दोगे? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा बेटा मेरे साथ था, तू मेरे साथ था, तेरी बीवी का वीडियो सब मेरे फोन में है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया में जाएगा वो। ऐसा क्या? तू बाहर जाके तो दिखा, हाँ? वीडियो अपलोड करोगी तुम, हाँ? चल फोन निकाल, निकाल फोन, चल दे मुझे, एक दूंगा, निकाल। देख क्या रहा है? मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बीवी तो समझ ले क्या करूंगी। हाथ हटाओ, हटा हाथ अपना। पैकेट का दूध पीने वाले तुझ में इतनी ताकत है तो गांव का शुद्ध दूध पीने वाले हम में कितनी ताकत होगी? चल अब साइन कर, कर साइन। MBBS की सीट मिली थी, लेकिन हमारी आशा पूरी करने के लिए उसने वेटरनरी की पढ़ाई की, उसे मार दिया तुम लोगों ने। हम तो गांव में खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि अपने खून पसीने से गायों को बच्चों की तरह पालते थे। यही हम गांव वालों की परंपरा है। हम गायों को भगवानों की तरह पूछते हैं और तुम कुछ पैसों की खातिर उन्हें तड़पा तड़पा के मारकर उनका मांस, चमड़ी, सफेद शक्कर हड्डियों में मिलाकर एक्सपोर्ट कर रहे हो। जानते हो कितना बड़ा पाप है ये? एक माँ बस कुछ दिन ही अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, लेकिन एक गाय हजारों बच्चों को कितने वर्षों से दूध पिलाती आ रही है और उनको पाल रही है,
इसीलिए हम गाय को गो माता और कुल माता कहते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्रों में भी लिखा है। हमारे देश में 92 तरह की गायें थी पहले, लेकिन अब तुम लोगों के धंधे की वजह से उनका खात्मा होता जा रहा है। अब हमारे देश में कुछ 4-5 तरह की ही गायें रह गई हैं, और तुम लोग उनका भी खात्मा करना चाहते हो और अपनी तिजोरी भरना चाहते हो। पूरी जनता तुम्हारी हरकतों को देख रही है। प्यार का मतलब शिव होता है, और शिव का वाहन नंदी होता है, और उस नंदी के रिश्तेदार जितनी भी गायें हैं वो सब हमारी भी गायें हैं। तुमने धंधा किया, कोई भी जो गाय को खत्म करने की सोचेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, सॉरी। आप जो गलतियां कर रहे हो ना, इससे मैं भी मुसीबत में फंसूंगी।